viewers, my name is Muhammad Imran, and one more time we are going to memorize 10 new words. Are you ready? Let's jump right in. Yes. फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने डिलेक्टेबल, जिसका मतलब होता है अति सुंदर। फ्रेंड्स, पहले डिलेक्टेबल को ब्रेक कर लेते हैं। दीदी ने 1 लाख रुपए की टेबल खरीदी है। अब 1 लाख रुपए की टेबल अगर खरीदी है तो वो तो अति सुंदर ही होगी। डिलेक्टेबल मीन्स अति सुंदर। फ्रेंड्स, लेते हैं एक और नया शब्द डी मार्केट, और इसका मतलब होता है सीमा निर्धारित करना। फ्रेंड्स, डी मार्केट को पहले ब्रेक कर लेते हैं। दीदी ने मार्केट की सीमा निर्धारित कर दी है कि आप सिर्फ मंगल बाजार ही जा सकते हो, विकास मार्केट नहीं जा सकते। डी मार्केट मीन्स सीमा निर्धारित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने डिपोज, और इसका मतलब होता है गद्दी से उतारना, विशेषता शासक को। फ्रेंड्स, डिपोज को पहले ब्रेक कर लेते हैं। दीदी पोज दे रही थी गद्दी पर बैठकर, पापा आए और उसको नीचे उतार दिया। डिपोज मीन्स गद्दी से उतारना, विशेषता शासक को। एक और नया शब्द डिरेल, और इसका मतलब होता है रेलगाड़ी का पटरियों से उतर जाना। फ्रेंड्स, पहले डिरेल को ब्रेक कर लेते हैं। दीदी एक दिन रेल चला रही थी, और रेल चलाते चलाते उन्होंने देखा कि दोनों तरफ हरे भरे खेत थे, तो उन्होंने कहा चलो ताजी ताजी सब्जियां ही ले ली जाए। तो उन्होंने रेल को पटरियों से उतार कर और खेत से लेकर और फिर वापस पटरियों पर आ गए। यानी डिरेल मीन्स पटरियों से उतर जाना रेलगाड़ी का। लेते हैं एक और नया शब्द डेस्परेट, और इसका मतलब होता है आशा रहित। फ्रेंड्स, डेस्परेट को पहले ब्रेक कर लेते हैं। देसी पराठे। फ्रेंड्स, आज के मॉडर्न वक्त में देसी पराठे खाना आशा नहीं कर सकते, यानी हम आशा रहित हो चुके हैं। डेस्परेट मीन्स आशा रहित। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने डिटेस्ट, और इसका मतलब होता है नफरत करना। फ्रेंड्स, दीदी को टेस्ट देने से नफरत है। वो कहती है मैं हमेशा फेल हो जाती हूं, कृपया करके मुझे बिना टेस्ट के पास कर दो। डिटेस्ट मीन्स नफरत करना। लेते हैं एक और नया शब्द डेटोनेट, इसका मतलब होता है विस्फोट करना। फ्रेंड्स, डेटोनेट से पहले ब्रेक कर लेते हैं डेटा और नेट। जब आपको पता चलता है कि आपने कुछ यूज भी नहीं किया और डेटा जो है वो पूरा नेट का उड़ गया है, तो तुम्हारे दिमाग में विस्फोट हो जाता है। डेटा नेट मीन्स विस्फोट करना। लेते हैं एक और नया शब्द डीटूअर, और इसका मतलब होता है चक्करदार रास्ता। फ्रेंड्स, डीटूअर को पहले ब्रेक कर लेते हैं। दीदी टूअर पर गई और वहां पर भूल भुलैया में घुस गई, तो चक्कर ही खाती रह गई। डीटूअर मीन्स चक्करदार रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने डाइग्रेस, और इसका मतलब होता है लिखने या बोलने में विषय से हट जाना। फ्रेंड्स, डाइग्रेस को पहले ब्रेक कर लेते हैं। डाई और ग्रास, घास। तो विषय था कि बालों में डाई कैसे करें, और बोलते बोलते विषय बन गया कि ग्रास यानी घासों पर डाई कैसे करें। तो डाइग्रेस मीन्स लिखने या फिर बोलने में अपने विषय से हट जाना। फ्रेंड्स, लास्ट वर्ड है हमारे सामने डिलैपिडेटेड, और इसका मतलब होता है फर्नीचर या भवन आदि टूटी फूटी अवस्था में। फ्रेंड्स, पहले डिलैपिडेटेड को ब्रेक कर लेते हैं। दीदी का लैपी यानी लैपटॉप अपडेट नहीं किया गया, बस दीदी को गुस्सा आ गई और दीदी ने पूरा का पूरा लैपटॉप उठाया और तोड़ दिया, यानी टूटी फूटी अवस्था में कर दिया, और साथ ही साथ फर्नीचर भी तोड़ दिया और भवन भी तोड़ दिया। डिलैपिडेटेड मीन्स फर्नीचर या फिर भवन आदि टूटी फूटी अवस्था में। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कौन सा शब्द याद करने में सबसे ज्यादा मजा आया। फ्रेंड्स, वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको सारे शब्द याद हो जाएं, और ट्राई टू फ्रेम 2-3 sentences यूजिंग ईच वर्ड। स्टे कनेक्टेड विद अस, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।